ये बात अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या बिना लोगों का स्वार्थ जगाए कि वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए राष्ट्र को छोड़ें, बाकी चीजों को छोड़ें, राष्ट्र का भला अपने आप हो जाएगा? जब हर भारतवासी का भला हो जाएगा तो राष्ट्र का भला अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब हर देशवासी उसे समृद्धि मिल जाएगी, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट और रोजगार मिल जाएगा, उसे कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी भी चीज का पैसा तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक हम गरीब से गरीब परिवार की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह ना कर दें। तब तक जो भी खर्च होगा वो संबंधित के डेबिट अकाउंट से होगा उसे, और जब वो 2 लाख रुपए से ज्यादा उसकी क्रय शक्ति हो जाएगी तो आसान किस्तों से कट जाएगा। तो आप उनको फ्री भी नहीं बांट रहे हैं, आप उनको सामर्थ्य बांट रहे हैं, समृद्धि बांट रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा कंपनियां बनेंगी, कंपनियों को जो है आपकी सामर्थ्य पहचानने के लिए, आगे का कैरियर प्रोग्रेशन क्या होगा उसकी पहचान करने के लिए, और उसके आधार पर आपको ट्रेनिंग देना, टूल्स देना, टूल में अभ्यास कराना, बाकी लोगों के साथ टीम बनाना और टीम को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देना, और राष्ट्रीय संपदा का जो निर्माण है उससे ऑटो मनी जनरेट होगी जिसका नाम है भारत विकास निधि, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपी के बराबर होगी। लिहाजा समृद्धि देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें धन की जरूरत नहीं है, हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, और इतनी राष्ट्रीय संपदा की निर्माण होगी क्योंकि भारत का हर व्यक्ति एक अपनी एनर्जी को अलाइन करके राष्ट्रीय संपदा को क्रिएट करके समृद्धि प्राप्त करेगा। तो भारत एक बहुत ही समृद्ध और राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय धरोहर से रिच जो है देश बन जाएगा। भारत के सबसे गरीब व्यक्ति की आय प्रति माह है, प्रति परिवार 1 लाख रुपए हो जाएगी, और उसे 50% का रिवर्ट होगा जिसके कारण 1 लाख की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। अब आप अनुमान लगाइए कि भारत का सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी, तो बताओ भारत समृद्ध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल समृद्ध होगा। तो यही बात अपन को समझना पड़ेगी। लेकिन आप जो है राजनीतिक दलों के हिसाब से चलोगे तो हम भी एक गंदी नाली के कीड़े हो जाएंगे, हम भी फ्री भी बांटने वाले, दारू बांटने वाले, साड़ी बैठने वाले मूर्ख बनाकर जाति और धर्म के आधार पर, समीकरण पर, बिनेबिलिटी जैसे घटिया कॉन्सेप्ट के आधार पर इनके प्रकरण जीतने का लक्ष्य रखेंगे और फिर उसी जो है चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। लिहाजा आज से मेहनत करो लोगों को जगाने की, उनका स्वार्थ जगाने की। ये हर व्यक्ति का स्वार्थ होना चाहिए ना कि उसे और उसके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाए, बिल्कुल, उसे रोजगार का फंडामेंटल राइट मिल जाए, उसे हेल्थ का फंडामेंटल राइट मिल जाए, और उसे शिक्षा का फंडामेंटल राइट मिल जाए। भारत के सबसे गरीब व्यक्ति जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है उसे वही शिक्षा मिलेगी जो सबसे अमीर व्यक्ति को मिलने वाली है, और उस बच्चे की सामर्थ्य भी पैदा की जाएगी जिससे शिक्षा काल में ही वो अधिकांश पैसा वापस कर पाएगा और उसे अपने एम्प्लॉयमेंट होने के बाद उसके बाद पैसा वापस करने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्मा जी, इट इज डूएबल। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनको जोड़कर शपथकृत कर 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो आप 10 दिन में जो है ना 100 करोड़ हो जाएंगे। आपको किसी को टिकट नहीं देना होगा, टिकट उसे अपने आप मिल जाएगा जो 543 अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, टिकट उनके पास चल के पहुंच जाएगा और ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे। तो बिना लीफलेट, बिना होर्डिंग के, आप बिना 5 पैसे खर्च किए आप जीत जाएंगे।
फिर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वह काम आप स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर पूरा कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या आप तैयार हैं? क्या हम आज मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आज मेहनत करेंगे? क्या हम लोगों को जोड़ने के लिए संगोष्ठियां करेंगे? क्या हम लोगों को अपने यहाँ पर चाय के लिए आमंत्रित करेंगे, या चाय पिलाने की हमारी यदि औकात नहीं है तो अपने किसी साथी के यहाँ के बहुत दिन से आपके यहाँ चाय नहीं पी है, उसके जो है परिवार के सदस्य, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसके पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़ा हुआ है उनको इकट्ठा करके क्राई फ्री भारत के जो वीडियो सबसे अच्छे लग रहे हैं उनके साथ सुने जाएं, और उनके यदि कोई संशय है तो मैथिली शरणगुप्त वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर उनको दूर करेगा, और फिर वो यदि संकल्प और शपथ लेकर ये 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो 10वें दिन आप जो है 100 करोड़ होंगे। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्हें 240 सीट पर सिमट गए हैं, उनके आप हाथ मजबूत कर पाएंगे और 2024 में ही 21 लक्ष्यों के लिए 21 जो है टास्क फोर्स गठित होकर भारत के जो नाम महापरिवर्तन का अध्याय चालू हो जाएगा। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तो फिर जो है हमारे चंद्रगुप्त को टिकट मिल जाएगा और ये 100 करोड़ लोग उनको बिना खर्च के जिता देंगे। मुझे इससे हटके किसी अन्य मॉडल में कोई सकारात्मकता नहीं दिख रही है। यदि हम आप जैसे केजरीवाल जैसे जोड़ तोड़ करके यदि हम जीत भी जाएंगे तो हम वही सब घटिया काम करेंगे जो आज के राजनेता कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त सत्ता के लिए नहीं है, मैथिली शरण गुप्त महापरिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आओ हम सब लोग चैलेंज लें लोगों को जगाने का, और लोगों को जगाकर संकल्पित करें, शपथकृत करें, उनके उनको उनसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, उनको बताएं कि इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत सेशन ऐप की लिंक है, उसको क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और अपना फोटो डालकर, अपने बारे में 2 लाइन लिखकर, अपना एरिया पिन कोड डालकर क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बने और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके 10 ऊर्जावान लोगों को जोड़ने का काम, उन्हें अपनी लिंक भेजने का काम, और अपनी लिंक के माध्यम से उन्हें जोड़ें और उसके कारण जो है जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के आधार पर आप चंद्रगुप्त बनेंगे। हमारा ऐप जो है प्रतिदिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट देता है। जब आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी बना देता है, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी। तो शर्मा जी, अभी आपने कितने लोगों को जोड़ा है? अभी सर तो हमने प्रसार तो किया है लेकिन जोड़ तो नहीं पाए हैं, मैं इस काम को शुरू कर रहा हूँ आज से ही। और अभी लेकिन जोड़ने का, अकेला जोड़ना नहीं है, संकल्पित करके, शपथकृत करके, 9 दिन के व्रत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ जोड़ना है, और जोड़ने वाले दूसरों को ना जोड़ें, अपने परिवार के सदस्य को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें और जिन संगठनों से आप बरसों बरस जुड़े रहे हैं उनके लोगों को जोड़ें, किसी नए अजनबी को जोड़ने की प्रयास ना करें। यदि कोई सुन के आपके पास आता है उसे जोड़ लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल जो है मंत्र है कि हमें जो हम में आस्था रखता है उनको पहले जोड़ना है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? पूरी तरह से सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत। क्या बात है? ये बात आप मानते हैं कि बिना जो है लोगों को जगाए हमें किसी भी चुनाव में सम्मिलित होना अपने लिए जो है बर्बादी को इनवाइट करना है और हम उसी ट्रैप में फंस जाएंगे जो आज के राजनेता फंसे हुए हैं? जी 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 सर जी बिल्कुल। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जिनको आप सोच रहे हो कि कल चुनाव के समय जगाएंगे, भाई साहब उनको आज जगाइए ना शांति के समय। जी, जी। आज उनको संकल्पित करिए, शपथकृत करिए। यदि 9 दिन में ये काम नहीं हो पा रहा है तो 90 दिन में हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है?
90 दिन में नहीं हो जाएगा तो 180 दिन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन संकल्प के साथ क्या हम प्रयास कर रहे हैं और क्या हम लोगों का स्वार्थ जगा पा रहे हैं? देखिए, हमें लोगों को राष्ट्रीयता नहीं सिखाना है, हमें लोगों के उनके का स्वार्थ जगाना है कि क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हो। यदि इतना स्वार्थ भी आप नहीं जगा पा रहे हैं तो हम और आपको और तपस्या करने की जरूरत है। बिना उसके पहले जो है ना, हमें किसी भी मैदान पर उतरना आत्मघाती होगा, धन का अव्यय होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और हम भी उसी गंदी नाली के कीड़े बन जाएंगे और इस देश का कोई भला नहीं होगा। आप सहमत हैं? बिल्कुल। तो इसी मुद्दे पे हम बात करें और जितने लोग जुड़े वो जो है महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठियां करें, महापरिवर्तन के लिए भोज करें, महापरिवर्तन के लिए चाय करें, महापरिवर्तन के लिए हवन करें, महापरिवर्तन के लिए भागवत करें, कि जिस बहाने से भी लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, उनसे चर्चा की जाए, उनके संदेहों का निवारण किया जाए और उनके अंदर का स्वार्थ जगा के कि उन्हें अच्छा भारत मिलेगा और उन्हें अच्छा भारत मिले, यह चाय उत्पन्न करके 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प को यदि हम पूरा कर लेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हीं के माध्यम से 2024 से ही बदलाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा सकारात्मक होगा, अन्यथा इतनी सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी और खड़ी हो जाएगी, वो काले धंधे करते हैं, वही काले धंधे आपको करना होंगे। जी जी, बात समझ में आ गई आपको? जी जी, बिल्कुल। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ बंद किया जाए और आप क्या अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने साथियों को संदेश यही देना चाहूंगा कि सभी लोग क्राइम फ्री भारत से जुड़े और जागरूक नागरिक होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में खुद के स्वार्थ को डेवलप करके समाज में आगे बढ़ें और देश को मजबूत करें। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।